अजमेर के आदर्श नगर क्षेत्र स्थित सिटी कॉलोनी वार्ड नंबर 28 के क्षेत्रवासी मक्खियों से हो रही परेशानी को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शहरी इलाके में बने पोल्ट्री फार्म को अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग रखी। परेशान लोगों का कहना है कि पोल्ट्री फार्म के चलते आसपास की कॉलोनियों में मच्छरों का जमावड़ा है और वह खाने पीने की और रहने के स्थान पर बेतहाशा निवास कर रही है। ऐसे में बीमारियों का खतरा बढ़ने के साथ ही घर में रहना भी दुर्भर हो रहा है। मक्खियों की तस्वीर वहां के हालातों को लेकर लोग आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द मक्खियों से निवारण की मांग की गई है, जिससे कि आम जनजीवन सही से गुजारा जा सके और बच्चे व अन्य लोगों को बीमारी से दूर किया जा सके। हम 50-60 लोग आए हैं अर्जुनला सिटी नगर से, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं और हम पुरुष भी हैं। हमारे पास में उधर पोल्ट्री फार्म है और वो पोल्ट्री फार्म अनमेंटेन्ड है, उनके अंदर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है और मरी हुई मुर्गियों वगैरह को भी वैसे ही फेंक दिया जाता है, उनको सही ढंग से उनका डिस्पोजल नहीं किया जाता है। इससे क्या है कि गंदगी का वहाँ पर आवाम है और गंदगी फैल रही है और गंदगी के जो सबसे ज़्यादा उसको कैरी करने वाला जो तत्व है वो है मक्खियाँ। मक्खियाँ एक जगह से दूसरी जगह जाती है, सिटी कॉलोनी पास पड़ती है और मक्खियों का अटैक से सिटी कॉलोनी का हर घर हर आदमी परेशान है। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में वह मक्खियों का इतना आतंक है कि उसका ऊपर विरोध करते हुए हम ये प्रशासन के सामने अपनी बात रखने आए हैं। और इससे पहले हमने प्रशासन को अपना आवेदन दे दिया था 3/10/2019 को, 3/10/2019 को श्रीमान केसी शर्मा अतिरिक्त कलेक्टर सेकंड को हमने अपना ज्ञापन दिया है, प्रार्थना पत्र दिया है। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इस कार्रवाई को पुनः उनको जो रिमाइंडर करवाते हुए हमें कार्रवाई के लिए यहाँ पर आकर के अपनी बात कहने के लिए यहाँ पर उपस्थित है।